सचिव है। चंपारण जिला अंतर्गत नगर निगम बेतिया के समाज सेवी रविंद्र कुमार सिंह व्यवस्थापक बगीचा फैमिली रेस्टोरेंट ने एक नए सद्भाव के साथ पुराने वर्ष 2023 की विदाई एवं अंग्रेजी नववर्ष के आगमन को लेकर समस्त जिले वासियों एवं आमंत्रित वाल्मीकि के प्रेस ट्रस्ट के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। यहाँ सभी के जीवन में नई खुशियों का नए वर्ष पर आगमन हो एवं विगत वर्ष में जितनी भी गीले शिकवे त्रुटियां तथा आपसी भेदभाव एक दूसरे में हुए हों उसे भूलकर प्रेम भाव को अपना कर और नए वर्ष में अपने सभी भाइयों को एक नई ऊर्जा के साथ नए सिरे से सृष्टि का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को सफल तरीके से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें ताकि हम बदले, हमारा परिवार बदले तथा हमारा देश बदले और अच्छाइयों की राह पर हम चले, हमारा देश चले, सृष्टि का विकास हो। इन्हीं सद्भाव के साथ नए वर्ष पर नई ऊर्जा के साथ हम नए दौर में कदम रखें। इस समारोह में वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के सभी सदस्यों में राणा प्रताप गुप्ता, निरंकार भास्कर, अश्विनी कुमार, अतुल कुमार, शेखर सोनी, जय किशोर शर्मा, राकेश कुमार, सत्यम संघानिया, सोनू भारद्वाज, मनीष पोधार और रूपेश कुमार, बिट्टू कुमार सहित कई अन्य सदस्यों ने समारोह का हिस्सा बन आनंदित भोजन के साथ एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। जीवन, मृत्यु और पैदा होना ये सत्य है और पूरा जीवन आनंद भरा जीवन होना चाहिए। ऊपर वाले ने ये कहा, यदि तुम जा रहे हो तो यहां आनंद लो और मानव के रक्षार्थ कुछ काम करो, मानव कैसे खुशहाल रहे यही काम करो। और मैंने बगीचा रेस्टोरेंट में ये काम किया है कि लोग यहां आकर के खुशी और आनंद की अनुभूति यहां करें। इसके लिए मैंने सारी व्यवस्थाएं की है कि जीवन के कमाई का अर्थ है कि जीवन में आप खुश कैसे रहें। सुख और खुश दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में दो ही शब्द है लेकिन खुश रहना और सुख दोनों में अंतर है कि आपके पास सारी संपत्ति होकर के आप सुख भोग सकते हैं लेकिन खुशी नहीं रह सकते। लेकिन बगीचा रेस्टोरेंट ने एक नया आयाम स्थापित किया है जिसमें आप खुश रह सकते हैं। खुशी ही जीवन का सत्य है कि आप कितना दिन तक खुश रहेंगे, जिसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है कि यहाँ आने वाला हर आदमी खुश होके जाता है। नए वर्ष को लेकर जो आज समारोह किया गया है वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के साथ, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम इस ट्रस्ट की भविष्य की कामना करता हूँ कि ट्रस्ट अच्छे ढंग से काम करे और लोगों को अध्यात्म की तरफ अंधविश्वास से दूर करके सत्य के साथ जीवन जीने की कला को सीखे। सत्य क्या है इसको आप जानें और जीवन में खुशहाल रहें और दलित गरीबों के साथ आप रहें, मजबूरों का मदद करें, क्योंकि पैसा कमाने का अभिप्राय तीन ही है। जीवन में पहले तो आनंद लो, दूसरा दान करो, मतलब दान का अभिप्राय यह है कि गरीबों में मदद करो और नहीं तो नाश हो जाएगा। तो हम लोग पहले आनंद लेते हैं, बचता है तो दान करते हैं, बाकी उसके बाद कुछ नहीं बचना। इस तरह से लोगों को जीवन जीने की कला को सिखाते हैं कि बगीचा रेस्टोरेंट में आओ और सुख की अनुभूति पाओ, जिसके लिए डीजे वजे सब सिस्टम है। कल से ये सिस्टम 6 बजे से 9 बजे तक कपल इन दी सेंस परिवार बच्चे के साथ यहाँ आनंद आइए और इस डीजे का आनंद लीजिए फ्री निशुल्क। बगीचा रेस्टोरेंट निशुल्क प्रोवाइड करती है आपके आनंद के साधन को, जिसमें 6 बजे से 9 बजे तक डीजे चलेगा। अपने गाना को बजाइए, बाल बच्चे के साथ आइए, अपना सिम लगाइए और डांस कीजिए। मतलब जीवन को आनंदमय जीने की कला बगीचा रेस्टोरेंट आपको सिखाएगा। बहुत सुंदर। वैसे भी हमारे रविंद्र भाई एक बहुत समाज सेवी हैं और समाज के सारे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनका ये सोच रहता है कि दूसरे को अगर खुशी दे दिया जाए तो उससे बड़ी क्या खुशी होगी। तो इन्होंने इसी उद्देश्य से हम लोग को जो नए साल पर जो खुशी दिया है, जो आनंद दिया है मनाने का, इसके लिए वाकई बधाई के पात्र हैं और ऐसे कार्यों के करते रहते हैं और करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसी बार कर रहे हैं, प्रतिवर्ष ऐसे कार्यों को ये करते रहते हैं। इसके लिए मैं बगीचा रेस्टोरेंट के व्यवस्थापक रविंद्र भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।